आखिरी वक्त पे गड़बड़ हो रही थी लास्ट कुछ टूर्नामेंट में, लेकिन हम कंसिस्टेंटली उधर नॉक कर रहे थे। क्या अच्छेपन पे विश्वास रखना मुश्किल हो रहा था? और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना ज़रूरी है, चाहे आप हो, टीम हो, राहुल द्रविड़ हो, क्या ये ज़रूरी है राहुल? ज़रूरी तो है। मैं बिलीव करता हूँ कि जो लिखा है वो होने वाला है। आई थिंक ये लिखा था, बट ऑब्वियसली तुमको पता नहीं है मैच के पहले कि ये लिखा है। यही तो खेल है, यही गेम है। नहीं तो हम लोग आराम से आते, चलो लिखा हुआ है जीतने वाले। बट जो आई थिंक यू नो एवरीथिंग हैज़ टू फॉल इन प्लेस। अभी जैसे आपने देखा कि हम बहुत पीछे थे गेम के, एक टाइम पे लग रहा था आसानी से जीत जाएंगे वो लोग। विकेट भी अच्छा चल रहा था, उनकी बैटिंग अच्छे से हो रही थी। हमारे बॉलर्स जो मुझे ऑप्शंस जो भी यूज़ करने थे, बुमराह का ओवर 18वें ओवर में ख़त्म हो गया था। तो ये सब चीज़ ज़रूरी था प्लान में फिट होना। और जैसे आपने बोला कि अच्छे लोग के साथ अच्छा होता है, आई मीन आपने बोल दिया मतलब मैं अच्छा हूँ। तो राहुल भाई भी नहीं, नहीं अच्छा है। देखो हम लोग काफ़ी, राहुल भाई के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ यार। उन्होंने इतना इंडियन क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है जब खेलते थे, और अभी भी कोचिंग जब कर रहे हैं। पिछले 3 साल उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है इस टीम के साथ। उनके जो इंस्टिंक्ट्स है उनको काफ़ी बार दबाने पड़े, क्योंकि लड़कों का जो वेवलेंथ है वो मैच करना इतना आसान नहीं है। तो राहुल भाई ने अपने आप को दबाया, समझा कि लड़कों को क्या चाहिए, वो प्रायोरिटी आगे डाली। तो ये सब चीज़ करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता है। राहुल भाई ने वो चीज़ किया, पूरे टीम के लिए वो किया। उन्होंने समझा कि लड़कों को क्या ज़रूरत है, लड़कों को क्या देना ज़रूरी है, क्योंकि इवेंचुअली काम हम ही लोगों को करना है। राहुल भाई तो बैटिंग नहीं कर रहे, तो राहुल भाई का ये साथ देना टीम के लिए बहुत ज़रूरी था। और जैसे मैंने बोला कि उन्होंने इतने साल, 3 साल एज अ कोच टीम के साथ इतना मेहनत किया है, लड़कों को इतना क्लियर रखा है कि आपका रोल क्या है, आपको क्या करना है। जो लड़के नहीं भी है इस टीम में, जो घर में भी है, उनके साथ भी लगातार बात करते रहना, उनको बताते रहना कि क्या हो रहा है टीम में, कब क्या बातचीत हो रही है, तुम कब टीम में आ सकते हो, अगर आओगे तो तुम्हारा क्या रोल होगा। ये सब चीज़ राहुल भाई इतने स्टूडियस तो है ही, तो उन्होंने ये चीज़ पे सबसे पहले ये चीज़ पे ध्यान दिया था जब वो आए थे, कि हमको लड़कों को बताना है कि उनका, उनसे हम क्या चाहते हैं। क्योंकि 11 के 11 लोग फोर्स है, और वो फोर्स अगर एक साथ मिलके खेलेंगे तो एक बड़ा फोर्स बन सकता है। तो राहुल भाई ने उस चीज़ में काफ़ी साथ दिया मेरा भी, और टीम को भी काफ़ी सपोर्ट किया। हाय रोहित, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट। यू हैव स्पोकन इन बिट्स एंड पीसेस अबाउट द लास्ट 3 ओवर्स। वी ऑलमोस्ट डाइड इन द प्रेस बॉक्स, बट आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू दोज 3 ओवर्स इन द एंड, एंड वॉट वॉज द टॉक दैट वॉज गोइंग ऑन, and how was Hardik being motivated in the last over? I think, see, the talk strategy wise it was very simple to try and make them hit on the other side of the wind, because the wind was blowing across the ground quite rapidly, and it was the average, and I don't know how much the average wind per hour and all of that was, but it was quite heavy. So the plan was to make them hit on the other side of the ground, and then obviously when Bumrah came to bowl that 18th over, you know, as much as we wanted the wicket, we wanted to build that pressure as well on the opposition by bowling dot ball. So I had to get the fielders in the right place, getting the straighter fielders in, standing in front of the square, because I thought the nature of the wicket didn't allow batters to hit square of the pitch as much. It was easy to hit down the ground, and with Bumrah's angle, with the reverse swing coming in play a little bit as well, we knew that if we can bowl, if we can keep stumps in play as much as possible, the runs will be hard to come by as well. And if they make mistake by not getting the bat right where the ball is, there's a chance we can get a wicket as well. And Bumrah nearly knocked Miller off in the first ball, which he missed, and then he got wicket off Marco there. So that was crucial for us. That over was crucial, and then followed up greatly by Arshdeep as well. He gave a 3-over run
bowled a 3-over run, and then in the end it was 16 or 17 required. And then the plan was to just slightly go outside of Miller's arc, don't give him any hands. Surya took a brilliant catch there, and then obviously it was just to bowl full to the other batters, not to give them any elevation. And it was very, nice to see that Hardik was very calm as well. You know, no matter how many runs is required, you still got to bowl that overs over and bowl it well as well. So, you know, for him to bowl that over and, you know, getting that crucial wicket of Miller also was a very important from a team's standpoint. Thank you. Rohit, just that catch of Surya, like if you can just go through the emotions of the him taking that catch and that weight, and do you think kind of this catch is on a par with Kapil's 83 catches? बहुत बढ़िया कैच था वो ये भी अपना कैच है इन द हाइंडसाइड इफ यू लुक एट इट एवरी मोमेंट दैट हैपेंस इट हैज हिज ओन चार्म ओन वे यू नो सो आई डोंट लाइक टू कंपेयर इट आई एम नॉट अ बिग कंपैरिजन फैन बट या मैं आई वाज स्टैंडिंग एट लॉन्ग ऑफ सो आई कुड क्लियरली सी सूर्या देयर एंड ही इज वेरी काम अंडर प्रेशर ही टेक ही इज गॉट ब्रिलियंट हैंड्स and the moment he took that catch, I knew that he is inside. I was very calm. I mean, you could see I was celebrating already. But still, you know, until the scoreboard says out, it's not out yet. So, but I knew that it was an out, and I started already thinking about the other five balls that we have to bowl to the other batters. And Rohit, like on your own international career, do you think you will be there for a while longer? Like, how do you see yourself? No. This was my last game as well. Honestly, I've enjoyed since the time I started playing this format, and nothing better time to say goodbye to this format. I've loved every moment of this. I started my India career playing this format, and this is what I wanted. I wanted to win the cup and say thank you.